अहले सुन्नत वल जमात में जाति याफ्ता है, इसी का हम दूसरा नाम रख देते हैं मसलके आला हजरत। लेकिन कान खोल करके सुन लो, किसी भी जलसे में तुम 50 बार मसलके आला हजरत का नारा लगाओ मरहबा, लेकिन साथ में एक मर्तबा अहले सुन्नत वल जमात का नारा जरूर लगा, क्योंकि मसलके आला हजरत हमारे बुजुर्गों ने कोई अलग से मसलक नहीं बनाया, ये मसलके अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा नाम है मसलके आला हजरत। लिहाजा मसलके अहले सुन्नत भी लगाओ और मसलके आला हजरत भी लगाओ। अब अगर मसलके अहले सुन्नत में रहना चाहते हो तो यकीनन हर सुन्नी मसलके अहले सुन्नत का पाबंद है और वो मौलाई है, इसलिए कि मौला अली को मौला मानता है और तमाम सहाबा की ताजीम करता है। मैं देखकर हैदर सनिगहबान फबअय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फबअय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान। दो मिसले और सुनिए, दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इरशाद रब्बानी होता है इस आयत करीमा पर पेश रो खतीब से भी आपने समात फरमाया, अपने खतीब व इमाम मौलाना सईदुर रहमान साहब से भी समात फरमाया। अब मैं भी हाजिर हूं इस पर खिताब के लिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह व कुनू मा सादिकीन, आए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये एक सीधा साधा तर्जमा, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ, ये कुरान का अंदाज़े खिताब है। यही कुरान किसी मकाम पर कहता है या बनी आदम, या बनी आदम ऐ आदम पैगंबर की औलाद, या बनी इसराइल ऐ याकूब पैगंबर की औलाद। कहीं कुरान कहता है या यूहन्नास ऐ आम लोगों, जब कुरान रसूलुल्लाह के वफादारों को पुकारता है तो कहता है या अय्युहल लजीना आमनु ऐ ईमान वालों, यानी कुरान ने हमें ईमान की डिग्री दे दी, हम साहिब ईमान हैं। कुरान कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो। सूफियाना तफसीर सुनिए इसकी, ईमान वालों अल्लाह से डरो और अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। मैं हकीकत का एतराफ करना जानता हूँ, थानवी जहीन था, नानुभवी जहीन था, अम्बेठवी जहीन था, देहलवी जहीन था, इल्म था, सलाहियत थी, मालूमात थी, फिर ये गुमराह क्यों हो गए? जब इल्म था तो ये गुमराह क्यों हो गए? इसलिए कि इल्म था, सलाहियत थी, मालूमात थी, मगर हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। और वही जब हमने आला हजरत फाजिले बरेलवी को देखा तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वही हाथों में सैयद आले रसूल महररवी का दामन है। आई ईमान वालों अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ रहो। दूसरी सूफियाना तफसीर सुनिए, आई ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा का खौफ तुमको मिलेगा कहां? जाजमऊ चौराहे पे, जंतर मंतर पे, असेंबली हाउस में, पार्लियामेंट में? नहीं, अल्लाह का खौफ तुम्हें आस्ताने मखदूम शाह आलम में मिलेगा। खुदा का खौफ तुम्हें गरीब नवाज की चौखट में मिलेगा, गौसे आजम के दरबारे रहमत में मिलेगा। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। देखो जरा सही अल्लाह वालों को,
आज हम और आप सब पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर पुरतनवीर बातासीर जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर हजरत शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शाहबाज़े लामकानी की बारगाह में हाजिर हैं। तो बढ़िया घाट वालों जाजमाओं में बैठकर गौसे आजम को नहीं देख रहे मगर बगदाद का ताजदार तुम्हें देख रहा है। वाह 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 वा, नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत वल जमात दयारे मखदूम शाह आला। इसलिए कि गौसे आजम के मानने वालों का जहां डर है पीराने पीर की वहां नजर है। वाह 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 वा। हजरत एक लम्हा में आपकी तवज्जो चाहता हूं। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस मनसब पर इस मकाम पर इस दर्जे पर पहुंचे तो ऐसे ही नहीं कंटिन्यू मुसलसल लगातार पै दर पै मुतवातिर 15 साल तक रोजाना एक खत्म कुरान फरमाते रहे। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। 25 साल तक यादे इलाही में जंगलों और वीरानों का सफर किया सिर्फ खुदा की याद में गुम थे और 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज जोर से बोलो ऐशा के वजू से फजर की नमाज। अच्छा अब एक बात बताओ तहज्जुद के लिए नाम शर्त है सो के उठोगे तभी तो तहज्जुद का वक्त होगा बोलो और नाम क्या है नाम नाकिज़े वजू है सोने से वजू टूट जाता है। मैंने जब सीरत गौसे आजम का मुताला किया तो इस मकाम पर आकर के ठहर गया। तालिब इल्मी का जमाना था कि बात समझ में नहीं आती कि फजर की नमाज ऐशा के वजू से तो फिर तहज्जुद किधर और अगर तहज्जुद पढ़ा तो सोए सोए तो वजू टूट गया तो फिर ऐशा के वजू से फजर की नमाज कैसे। दिल में ये सोच रहा था मगर फैसला कर लिया था मेरी अक्ल सलीम ने कि ये बात मैं अपने किसी उस्ताद से नहीं पूछूंगा किसी आलिम से नहीं पूछूंगा ये बात तो कोई अल्लाह वाला मिलेगा तब पूछूंगा कोई फकीर मिलेगा तब पूछूंगा कोई दुर्वेश मिलेगा तब पूछूंगा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ मेरा जाना किशोचा शरीफ हुआ तो वहां मखदूमुल मशायख पीरो मुर्शिद हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह उनके दौलत खाने पे मैं हाजिर हुआ। क्या अंदाज़े मोहब्बत अल्लाह अकबर गए हजरत से सलाम किया तो हजरत अंदर तशरीफ ले गए बरामदे में बैठे थे जय्यद जय्यद उलमाए किराम हाजिर मुफ्ती अब्दुल जलील साहब पूर्णिया वाले उस दौर के मुआसरीन वहां हाजिर हजरत अंदर तशरीफ ले गए और वहां से एक ट्रे में चाय बिस्किट पानी लेके तशरीफ लाए और जैसे ही मैंने हजरत को देखा मेरे कदमों से तो जमीन खसक गई जल्दी से मैं खड़ा हुआ कि ट्रे पकड़ लूं हजरत ने फरमाया बैठो तुम मेहमान हो। आप तवज्जो कीजिए और केतली की चाय खुद हजरत ने डाला सुभान अल्लाह एक पी लिया हजरत ने डबल डाल दिया। मैंने सोचा छोड़ो जब पीर पिला रहा है तो पीने में क्या जाता है। वाह 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 वाह। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कितना फर्क आ गया आज के दौर में। वाह वाह वाह। आज क्या हो गया आज आपका पीर खुद आपको नहीं पहचानता क्या कहने बोलो मेहमान नवाजी क्या करेगा। तवज्जो कीजिए जरा सा जो पीर पहचाने ही नहीं वो तो देख देख करके सब आजकल लोग मुसाफा करते हैं देखा हाँ गुजरात से आया महाराष्ट्र से आया सेठ अच्छा तो बैठा लिया कोई गरीब गुरबा गया तो आगे बढ़ा दिया। इन बुजुर्गों से सीखो सुभान अल्लाह इन बुजुर्गों से तरीका सीखो। हजरत बयान फरमा रहे हैं बात चल रही है उसी दरमियान इरशाद फरमाते हैं अरे भाई आजकल तो कुछ लोग
गौसे आजम की 40 साल नमाज ही में उलझे हुए हैं। हाय 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 अल्लाह वाह 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 इतना फरमाया मैं हजरत के करीब आ गया। हाय 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 और थोड़ा करीब आया मुझे लगा आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानते हो ये बुजुर्ग कौन है? ये वही है सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह कचौचा शरीफ के बुजुर्ग जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने सरकारे कला, अपने आका अपने दिलबर की खुशी बन जाइए, यार को जो भेस भाए बस वही बन जाइए, सिलसिला उनका जुड़ा है पंजतन की पाक से, उनके दामन में लिपट कर अशरफी बन जाइए। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा, तो हजरत फरमाते हैं अरे भाई मेरे जद्दे करीम, हमारे जद्दे करीम सैयदना गौसे आजम मकामे खौसियत के उस दर्जे पर फाइज थे जहां गफलत नहीं तारी होती। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? गफलत नहीं तारी होती तो हजरत के कहने का मतलब ये कि जब गफलत नहीं तारी होती तो इसका मतलब वो सोते थे मगर गाफिल नहीं होते थे। और ऐसा सोना जिससे गफलत ना तारी हो तो ऐसे सोने से वजू नहीं टूटता। क्या कहने हैं? आप तवज्जो फरमाइए जरा। जब इस बात को फुकाहे किराम के आईने में हमने देखा तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। देखो जुमा पढ़ने जाते हो ना, घर में 24 घंटे नींद ना आए लेकिन जैसे मस्जिद गए झटके मारने लगे। बाद लोग खूब कायदे से सोने की कोशिश करते हैं मस्जिद में, अगल बगल वाले जगाते रहते हैं, अब मारते रहते हैं। अब देखो यहां से एक मसला सुन लो, अगर जाके तुम वहां मस्जिद में गए और सो गए, बैठे थे सो गए, आंख बंद हुई सो गए, जब तक तुम दाएं बाएं ना गिरो, न दाहिने पलटो न बाएं पलटो और बैठे बैठे आंख बंद हो गई तो वजू नहीं टूटेगा। बेशक बेशक, इसलिए कि अभी गफलत पूरी तारी नहीं है और गाफिल होते तो गिर गए होते, चाहे दाहिने गिर गए चाहे बाएं गिर गए, तो अगर दाएं गिरे बाएं गिरे तो वजू टूट जाएगा। अब आगे समझो, अगर एक मोमिन सजदे में चला जाए और सजदे में सो जाए लेकिन ना वो दाहिने गिर रहा है ना बाएं गिर रहा है, स्टेट सजदे में है, तो याद रखना हुक्म दिया जाएगा कि इसका वजू नहीं टूटा, इस पे गफलत नहीं तारी है। गाफिल होता तो दाएं बाएं घनंगल होता। ये तो मर्दों का मसला हो गया। अब देखो औरतों का दूसरा है, अगर कोई औरत सजदे में सो जाए तो हुक्म दिया जाएगा इसका वजू टूट गया। हम तो इंडिया में रहते हैं ना, कुछ दूसरे लोग होते हैं ना उनको भी अमल करना होता तो हम लोगों कहते कि इस्लाम तो भेदभाव बता रहा है। अबे इस्लाम समझने के लिए अकल चाहिए, गोबर ओबर खाने से इस्लाम समझ में नहीं आता। पिशाब पिशाब पीने से इस्लाम समझ में नहीं आता है। आबे कौसर पीने से इस्लाम समझ में आए है। समझ नारे लगा दे, नारे लगाइए खड़े होकर के माशाल्लाह। जरा तवज्जो कीजिए, औरत जो सजदे में जाती है तो उसके सजदे में जाने का तरीका यह है कि इस तरह जाती है कि उसके सारे आजा ढीले हो जाते हैं और वहां सो जाए तो हुक्म दे दिया जाएगा कि मुमकिन है खुरूज मिनस सबीलैन हुआ, बेशक इस बुनियाद पर इसका वजूद टूट गया। लेकिन मर्द जो सजदे में जाता है उसके सारे आजा टाइट रहते हैं तो जब तक दाएं बाएं न गिरे उसे हुक्म नहीं दिया जाएगा कि वजूद टूट गया। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, एक मोमिन सजदे में सो जाए तो उस मोमिन का वजू नहीं टूटता, क्या कहने तो जो मोमिनों का इमाम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत गौसे आजम तहज्जुद भी पढ़ते थे, ईशा के वजू से फजर भी पढ़ते थे। हजरत एक तमा के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तालीम दी है, अगर आज उस तालीम को हम आम कर दें और कामयाब हो जाए पब्लिक तक पहुंचाने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमाने में एक इंकलाब आ सकता है। क्या तकवा, क्या तहारत, क्या पाकीज़गी। ऐसे ही थोड़ी एक शख्स आया था गौसे आजम की बारगाह में और कह रहा था कि रमजान का महीना है, इफ्तार की दावत है। गौसे आजम ने फरमाया कबूल। थोड़ी देर के बाद दूसरा आ गया, क्या हुजूर मेरे यहाँ इफ्तार फरमाने का, कबूल है। ये मुरीद हिसकहे बहुत होते हैं, देख लिया कि एक काम कर रहा है तो दूसरा भी लग गया। इस तरह खानकाह में 70 आदमी आए और कहा हजरत आज मेरे घर इफ्तार फरमाएं, आज मेरे घर इफ्तार फरमाएं। गौसे आजम ने 70 दावतें कबूल फरमा ली। अगर एक रात में हम दो जलसे कबूल कर लें तो खैरियत नहीं है। 16 नवंबर को आपका जलसा है, 16 नवंबर मैंने कानपुर ही में किसी दूसरे को तारीख दी है, इसलिए आपको तारीख नहीं दिया। मौलाना सैदुर रहमान साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मसरूफियत है, और अगर डबल तारीख दे दें तो हंगामा ये कर देंगे कि आप कहां कहां जाएंगे। और गौसे आजम ने 70 दावत कबूल कर दी। और सुनो, ये भी नहीं कि 24 घंटे में दावत कवर करना है, टाइम एक ही है, इफ्तार का टाइम एक ही है। अब जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, मुरीद दस्तरखान लगा करके बैठा, कितनी खुशी होगी उस मुरीद को। हमारे और तुम्हारे घर अगर कोई महल्ले का इमाम आ जाए, आलिम दीन आ जाए, आपके पीरो मुर्शिद आ जाए, तो आप घर की सफाई करते हो, चादर सही करते हो। क्यों? पीर साहब आ रहे हैं। तो जिस मुरीद के दस्तरखान पर पीरों का पीर आ रहा हो, मीरों का मीर आ रहा हो, वो कितना खुश होगा। दस्तरखान सजा दिया, मगरिब का टाइम हुआ, पल्ला की झपकी, इतने में 70 दस्तरखान पर गौसे आजम नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुरीद इफ्तार कम कर रहा है, गौसे आजम को ज्यादा देख रहा है, ज़ियारत पर ज़ियारत, ज़ियारत पर ज़ियारत, मेरा पीर, मेरा मुर्शिद, मेरा आका, मेरा मौला, सामने दस्तरखान एक, मारे खुशी के ज़ियारत पर ज़ियारत कर रहा है। फारिग हुआ ज़ियारत से, किसी तरह रात गुजारी, सुबह सुबह जमा हो गए सब खानकाह में। जा घर के एक मुरीद ने दूसरे मुरीद से कहा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत खुश हो भाई, क्या बात है। और मैं कहा कल गौसे आजम ने बड़ा करम फरमा दिया, मेरे गरीब खाने पे इफ्तार फरमा लिया। उसने कहा भाई तुम पहचान नहीं सके गौसे आजम को, कल तो हमारे यहाँ थे। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ थे, अभी दोनों बहस कर रहे थे, हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे। तीसरा आया, कहा दोनों का प्रॉब्लम क्या है। कहा देखो कल गौसे आजम ने हमारे यहाँ इफ्तार किया, ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे यहाँ थे। कहा तुम दोनों नहीं पहचान पाए, कल तो हमारे यहाँ। इतने में चौथा आ गया, देखा कि ये जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, कल तो हमारे यहाँ थे। अब जो आ रहा है ना, किसी की सुन नहीं रहा, इतना यकीन कामिल है कि दस्तरखान में देखा है, दावत देके आया हूँ, सामने इफ्तार किया है। अब सब आवाज दे रहे हैं हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे। खानकाह में 70 आवाजें आने लगी, गौसे आजम हमारे यहाँ थे। मसला बड़ा उलझा था। एक समझदार आदमी ने कहा चलो अहले मदरसा से पूछें, कल जब तैयार होके गए थे तो बता के गए होंगे किस मुरीद के घर जा रहा है। अहले मदरसा जो बता देंगे वही मान लेंगे। अहले मदरसा से जाकर के पूछा ये बताओ कल गौसे आजम इफ्तार में कहाँ गए थे। अहले मदरसा ने कहा कल तो कहीं गए ही नहीं, कल तो हमारे यहाँ थे। हजरत पहले सबसे पहले एक बात मैं आपको ये समझा दूं, ये मदरसा कोई नई चीज नहीं है। गौसे आजम का भी मदरसा है। बोलो क्यों? मदरसा और खानकाह दोनों जरूरी क्यों होते हैं? दारुल उलूम और खानकाह दोनों जरूरी क्यों हैं? इसलिए कि दारुल उलूम से इल्म मिलता है और खानकाह से इश्क मिलता है। क्या कहने हैं? और देखो इल्म के शुरू में आयन है और इश्क के शुरू में आयन है। अबे इतनी उर्दू तो पढ़ाई है ना, आयन है। बताओ
इल्म के शुरू में आयन, इश्क के शुरू में आयन, और आयन का माना आंख। आयन का माना आंख। इसका मतलब ये है सिराते मुस्तकीम पर चलना है तो दोनों आंखें रखो, इल्म की आंख भी हो, इश्क की आंख भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वसल के आला हजरत, वसल के आला हजरत। और अगर किसी के पास इल्म है, हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत लोगों के पास मदरसा है, खानकाह नहीं है, तो जानते हो अगर किसी के एक आंख हो, अरे बोलो ना, क्या बोलते हो? अरे जो बोलना है बोल लो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी की दिल आजादी नहीं करता हूँ। इसलिए दोनों आंखें जरूरी हैं। इल्म से भी वाबिस्ता रहो, इश्क से भी वाबिस्ता रहो। आप सोच रहे होंगे कि गौसे आजम एक लम्हे में 70 दस्तरखान पर नजर आए, मैं आपको खिताबत की जौलनियत से नहीं बल्कि आपके दिमाग में उतार दूंगा। गौसे आजम एक और 70 दस्तरखान पर नजर आ रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, सूरज एक है कि 1000? जोर से बोलो। और जितने लोग मजमे में हाजिर हैं 200-400, ये अगर सब चाहते हैं कि हम सूरज देखें, अलग अलग देखें, सूरज तो नजर आएगा एक। अगर अपने अपने कब्जे में सूरज देखना है ना, तो कल सुबह बढ़िया घाट से एक एक आईना लेके खड़े हो जाना, हाथ में शीशा ले लेना और सूरज महाराज की तरफ करना। अगर 1000 सूरज होंगे, अगर 1000 आईने होंगे, तो हर आईने पे सूरज नजर आएगा। वाह वाह वाह, अरे सूरज तो एक ही है, ये 1000 जगह क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हाथ में आईना है। वाह 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 वाह, हाथ में आईना है, इसलिए सूरज हर आईने पे नजर आ रहा है। और अगर कोई पत्थर दिल पत्थर लेके खड़ा हो जाए तो सूरज पत्थर पे नजर आएगा? सूरज पत्थर पे दिखाई पड़ेगा? तो गोया सूरज देखने के लिए पत्थर नहीं आईना चाहिए। सूरज देखने के लिए आईना चाहिए। अरे सुनो, गौसे आजम को 70 जगह देखने के लिए दिल आईना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। पत्थर दिल पे गौसे आजम नजर नहीं आते, आईने में नजर आते हैं। आईने में नजर आते हैं। अपना दिल आईना बनाओ, साफ करो दिल को, मुजक्का करो दिल को। और दिल साफ कैसे होगा? सीना अगर तुम्हारा साफ हो गया तो याद रखना, अमेरिका और इसराइल और बर्तानिया के पास तोपें कम हो जाएंगी, सुन्नियों के सीने ज्यादा हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सीना सीना ही नहीं है जो इश्क रसूल का मदीना ना हो, इश्क मुस्तफा का मदीना बना हो। बनता कैसे है? दो फार्मूले हैं, हलाल खाओ और सच बोलो। और ये गौसे आजम ने सिखाया है, अकले हलाल सिदके मकाल। जब खाओ तो हलाल खाओ और जब बोलो तो सच बोलो। बोलो, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? देखो गौसे आजम एक ताजिराना काफले के साथ निकले। माने का बेटा जा रहे हो, ये 40 दीनार ले लो और मैं तुम्हारे पैरान में सिल देती हूँ। बस एक नसीहत माँ की याद रखना, हराम ना खाना, झूठ ना बोलना। अब फिर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, आपके बच्चे भी घर से जाते हैं ना, बोलो, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मदरसा जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, दावत में जाते हैं, आप बच्चों को नसीहत करते हैं? हम और आप सब अपने बच्चों को नसीहत करना भूल गए। शादी में जा रहा है, हाँ देखो पैंट कैसी है, कोट कैसा है, बाल कैसे हैं, ये चेक कर लिया। उसे नसीहत तो कर दो, बेटा जा रहे हो, जब रास्ते से गुजरना तो निगाह नीची करके चलना। ये सब भूल गए।
निगाह नीचे करके चलना। रास्ते में अगर कोई पत्थर मिल जाए तो उस पत्थर को उठा के किनारे रख देना। यही वजह है मुझे स्पेन का वो चौराहा याद है कि जब एक पादरी गुजर रहा था वहां से, लोगों ने पूछा, लोगों ने देखा कि बड़ा मजमा लगा है। पादरी ने पूछा, भाई ये भीड़ कैसी लगी है? कहा, पादरी साहब, ये भीड़ इसलिए लगी है कि यहां से एक बूढ़ा शख्स 80 साल का गुजर रहा था और बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था, वो पत्थर से टकरा गया, गशीतारी हुई, वो मर गया। ये हादसाती मौत थी, इसलिए लोग देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। पादरी ने कहा, अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा, चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या रिश्तेदार है? कहा, नहीं रिश्तेदार तो नहीं है, बस इसलिए रो रहा हूं, अफसोस मरने वाले तू मर गया, पत्थर से टकरा के मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने पूछा, क्या मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, अगर मुसलमान गुजरा होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता। अपनी औलादों को नसीहत करना सीखो, उन्हें अच्छी तालीम देना सीखो, उन्हें अच्छा माहौल बताना सिखाओ और उन्हें अच्छी बातें समझाओ। बहुत सारी अच्छी बातें हमने भुला दी। देखो पहले हम लोग बहुत बचपने में, आप भी गए होंगे, बाजार जाओ और सब्जी वाले की दुकान से सब्जी खरीद लो, धनिया मिर्चा लहसुन प्याज जैसे झोला में रखा, पैसे का हिसाब किताब हो गया। तो सब्जी वाला क्या करता था? मुस्कुरा के थोड़ी सी धनिया थोड़ी सी मिर्चा अपनी तरफ से आपके झोले में डाल देता। तो आप कितना खुश होते थे? एक मोमिन के खुश करने में अल्लाह खुश होता है। उसको मालूम था सौदा हो गया, पैसे हो गए, लेकिन ये खुश होके जाएगा तो अल्लाह से दुआ करेगा मेरे लिए। अब दूध लेने जाते थे तो दूध वाले क्या करते? एक पाव दूध ना तो ना दिया, हो गया, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके यूं डालते। अब क्या है, यूं डालने के बजाय मौका मिले तो यूं निकाल ले। बोलो, क्योंकि हर जगह लोग दूध में पानी मिलाते हैं। हमारे भारत में लोग पानी में दूध मिलाते हैं। वो एक रामपुर में अकरम चाय वाला बहुत मशहूर चाय वाला, हमने भी चाय पी अपने जमाने में, आज से 25 साल पहले रात के तकरीर करके आते तो अकरम भाई की दुकान में चाय मिलती थी। तो एक साहब को उसने चाय दिया तो उसमें मछली के बच्चे छोटे छोटे दो निकले। तो उसने कहा, अरे अकरम भाई क्या कर रहे हो, इसमें तो दो बच्चे हैं मछली के। तो अकरम ने कहा, अबे 2.5 रुपए में मछली के बच्चे नहीं खिलाऊंगा तो क्या हाथी और घोड़े खिलाऊंगा? आप तवज्जो कीजिए जरा सा, आज हमारे दरमियान से नसीहतें खत्म हो रही हैं। बोलो, इसलिए रहमतें हमारे साथ बराबर बाकी नहीं। अपने बच्चों को नसीहत करना सीखो, उन्हें समझाना सीखो। आज तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो पैंट कितनी टाइट पहनते हैं, पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है, पैंट ने इसको पहना है। और वो भी अल्लाह हिदायत दे, फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, फटी हुई पैंट पहन रहे हैं और बहुत फख्र कर रहे हैं फटी हुई पैंट। अच्छा, मुंबई में किसी को देख लिया होगा फटी पैंट देखे पहने तो फटी पैंट पहनने लगे। या अल्लाह, इस कौम का हाल क्या होगा? याद रखना, इस्लाम ने फटे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी है। अगर कपड़ा फट जाए तो उसे सिल लो। इसीलिए सूफिया के राम ने अपने मानने वालों के हाथों में कैंची नहीं दी बल्कि धागा और सुई दिया। जरा अपने आप को नौजवानों बदलो। मैं आ रहा था भिंडी बाजार से, साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा, हजरत कहाँ जा रहे? मैंने कहा, कोरला जा रहा हूँ। क्या जगह हो तो मैं भी बैठ जाऊं? मैंने कहा, बैठ गया। मैंने कहा, भाई कहाँ गए थे? बोला, वो ईद आ गई ना, शॉपिंग करने गया था। तो मेरे पास बहुत टाइम था गाड़ी में। मैंने कहा, लाओ देखें क्या खरीद के लाए। जब उसने दिखाए कपड़े तो सामने पैंट, तो मैंने देखा वो फटी हुई थी। अबे मैंने कहा, तू थक गया? कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, पैंट तो फटी हुई है। तो जानते हो, छोटा बच्चा था मगर यूं कर रहा था, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था।
कि इनको मालूम नहीं है जमाना बड़ा एडवांस हो गया है, बताइए पट्टी पैंट। तो बोला फैशन चल रहा है पट्टी पैंट। मैं कितनी हैरत की बात है, कपड़े फाड़ के पहनने वालों क्या कर रहे हो। मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा अपनी औलाद को ऐसा लिबास पहनाओ जिस लिबास में तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। आज देखो जरा बच्चों के देखो बाल कैसे रखते हैं, इधर से घुमा के, इधर से घुमा के, पीछे से घुमा के, आगे घुमा के ऐसा बना लेते हैं सर के ऊपर, लगता है किसी समंदर का जजीरा। समझ में नहीं आता कि मुर्गी का जौआ समझ में आ रहा है, कैसे बाल रख रहे हो। अरे किसी नाचने वाले ने रख लिया होगा, डांसर ने रख लिया होगा, तुमने उसको क्यों आइडियल बना लिया। वो कड़ा पहन ले तो तुम कड़ा पहन लो, वो फटे कपड़े पहन ले तो तुम फटे कपड़े पहन लो, वो बाल अलग ढंग से तरसवाए तो तुम बाल उसी तरह रखने रखो। सुन लो बाल कैसे रखना चाहिए, या तो पूरे बाल तुम कसर करा दो एक सूरत, दूसरी सूरत ताबदोश ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो और या तो ये शाने तक बाल रखो। ये तीन तरीके के बाल रखना चाहिए। फिर ना कहना कि किसी ने जलसे में समझाया नहीं था, वो तो यूं नारे लगा लगा के आप चले जाओगे और जाके इत्मीनान से सोगे, फजर की नमाज का भी अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन इस मिट्टी में दरो दीवार, यहाँ की सड़क, यहाँ की फिजाएं, यहाँ की हवाएं, ये सब गवाह है कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ लिबास कैसे पहनो, बाल कैसे। अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत, बदलो अपने आप को नौजवानों। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आजकल देखो शादी में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम, क्या बफर सिस्टम। मैं बंगाल में एक जगह तकरीर कर रहा था, मैंने पूछा भाई इसको क्या कहते हैं खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो बोले बम्फर सिस्टम, खड़े खड़े खा रहे हैं, भीड़ लगी है, प्लास्टिक की प्लेट, चले जा रहे चले जा रहे। अब उसके बाद मौका मिला निकालना चालू किया, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, पलेटिया टेढ़ियाए जा रही है, साला नीचे गिर रहा, कुछ भी जाय हो जाए मगर नहीं, इतना निकाल लोगे कि आधी बोटियां फेंकना पड़ेगा। ये खाने को क्यों जाय कर रहे हो बोलो। आज इतनी अच्छी दावत मिली थी, आज तो तुझे अल्लाह की बारगाह में दो रकात नफिल नमाज पढ़ के जाना था, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है होटल में इंतजाम है और वहां जाके सुन्नतों का मजाक न उड़ाते, बैठ करके खाना खाते, खाने को जाया न करते ताकि अल्लाह खुश होता। अगर बंदे को मैंने नेमत दी है तो खुदा की नेमतों की ये कद्र करना जानता। खाने को जाया कर रहे हो, कितना खाना बर्बाद किया जा रहा है, कितना तबाह बर्बाद हो रहा है। और फिर बाद में क्या कहोगे, मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, और जानते हो ये हमेशा कहेगा वही जिसने कभी ना खिलाया। चेक कर लेना, अगर महल्ले में कोई कहेगा अरे इमाम साहब मौलाना साहब मुर्गा बहुत खाते हैं, तो समझ लेना इसने कभी दावत नहीं की होगी। अबे मुर्गा मुर्गा करके पूरे मुर्गा में नजरे लगाए दिया, आलू बन बना। अच्छा तुम भी मुर्गा खाओ, मेरी बात तो मानो, अच्छा से अच्छा खाना खाओ, मिलेगा, क्योंकि कभी तुमने दिमाग नहीं लगाया। अगर कोई इमाम कोई महल्ले का मुअज्जिन अच्छा खाना खाता है तो तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाता है, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन अगर तुम रोजाना अच्छा खाना खाना चाहते हो तो इन आलिमों के साथ नमाज पंचगाना की पाबंदी करो। तुम भी पढ़ो नमाज, अरे पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारा रिस्क वसी फरमा देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था कि ये सब जरायम चल रहे हैं हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, सबको कौन समझा पाएगा। मैं सिर्फ माँ बाप से कहता हूं अपना अपना घर संभाल लो। अगर आप एक एक आदमी एक बाप अपना घर संभाल ले
तो इंशाल्लाह पूरी कौम को हिदायत हासिल हो जाएगी। और नौजवानों तुमसे मैं इस मकाम पर कहना चाहता हूँ, अगर गौसे-आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तुम्हें मोहब्बत है और उनकी जिंदगी से प्यार है तो एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम बंबई के अदाकारों को आइडियल ना बनाओ, फिल्मी स्टारों को आइडियल ना बनाओ, अरे इन अदाकारों को वो आइडियल बनाएं जिनके पास कोई रहबर ना हो, रहनुमा ना हो, कोई हादी ना हो, कोई मुर्शिद ना हो। सुनियो, तुम क्यों इन्हें आइडियल बनाते हो? तुम्हारे तो आइडियल हादीए अकबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम्हारे आइडियल हजरत सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हजरत साद है, सईद है, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्रा, अब्दुल रहमान बिन औफ, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमजा, तुम्हारे आइडियल सैयदना गौसे आजम है, ख्वाजा गरीब नवाज है, आकाए नक्शबंद है, मौला शोहर वर्द है, तुम्हारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, महबूबे इलाही है, साबिर बिलियानी है, जिंदा शाहमदार है, वारिस देवा है, मखदूमे के चौचा है, मखदूमे जाजमऊ है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन यहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिर, बाबा बहुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, अरे तुम्हारे आइडियल तो मुजद्दिदे इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फासिले बरेलवी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नौजवानों, गौसे आजम के नक्शे कदम पे देखो, माँ क्या कहती है, बेटा झूठ ना बोलना और बेटा हराम ना खाना, जब बोलना तो सच बोलना, जब खाना तो हलाल खाना। ये तसव्वुफ की जिंदगी शुरू हो जाती है, शुरू कर लो अपनी जिंदगी जिसको शुरू करना, हराम खाने से बचो और झूठ। और मैं जो तुम्हें एक फार्मूला बताऊंगा, जब कभी कोई झूठ बोले, हाफिज सुभान अल्लाह साहब इनके पास मौलाना जान मोहम्मद आके मिसाल तौर पर कोई बात बताए, इनको दिल में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि भाई रुको, जिसके बारे में बता रहे हो ना, चलते हैं उसके पास दो मिनट मुलाकात कर लेंगे, बोलो, बिल्कुल बात साफ हो जाएगी। शायद मौलाना जान मोहम्मद साहब को कंफ्यूजन हो गया सुनने में, तो साहिबे मामला से बात साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी ना। देखो ये गीबत और जो चुगली होती है ना, जैसे एक साहब आए मुझसे कहने लगे, हजरत वो आपके खिलाफ बहुत बोल रहा था, बहुत बोल रहा था, हमने कहा तब फिर क्या हुआ, कहीं कहीं हमें बहुत बुरा लगा, तो हमने कहा तुम उससे ज्यादा बुरे इंसान हो। बोला क्यों? मैंने कहा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे सामने बुराई करने की, और तुम्हारी हिम्मत पड़ गई उस बुराई को मुझ तक पहुंचाने के लिए। तो ये बीच वाले जो होते हैं ना, बहुत गड़बड़ेशन फैलाते हैं हमेशा। मैं तो अपने स्टाफ को कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, मिलने जुलने वालों से, मेरी कोई बुराई करे तो याद रखना मुझसे मत बचाना बताना, अल्लाह ताला उसकी नेकियां मेरे नामा अमाल में ट्रांसफर कर देगा। और अगर तुमने बता दिया तो मेरे दिल में भी गंदगी आ सकती है, मैं इंसान हूं, बशर हूं। हाँ, अगर कोई कुछ मोहब्बत से बोल रहा हो तो बता देना, ताकि मैं उसे अपनी हर दुआ में याद रखा करूं। हजरत बदलो अपने आप को, आज पूरा समाज जो उलझन का शिकार हो गया है। और मैं आपको बताऊं, आप लोग तो सीधे साधे पब्लिक के लोग, सबसे ज्यादा ये काम मौलवियों में चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है। मैं सबको हिदायत करता हूं कि याद रखो, इन बातों से कोई बरकत नहीं होती। गौसे आजम को मां नसीहत कर रही है, बेटा सच बोलना, बोलो सुभान अल्लाह, झूठ कभी ना बोलना। इंसान की यहां से जिंदगी शुरू, बहुत प्यारी जिंदगी। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, सच्चाई का फायदा बताता हूं। वो उलमा की आपने बार बार मस्जिदों में सुना होगा, डाकू आ गए, हमलावर हो गए, पूरा माल लूट लिया,
उसके बाद एक ने आके गौसे आजम से कहा आपके पास भी कुछ है? कहा हाँ हमारे पास 40 दीनार। सरदार को खबर दिया कि एक बच्चा कह रहा है 40 दीनार। सरदार आया कहा भाई आपके पास 40 दीनार है? हाँ। कहा दिखाइए अस्तर खोला 40 दीनार जमीन पर। डाकुओं के सरदार ने पूछा अगर आप ये कह देते हमारे पास कुछ नहीं है तो ये माल तो बच जाता। तो गौसे आजम क्या फरमाते हैं? कम सिनी का आलम है, कम उम्री का आलम है। फरमाते माल तो बच जाता लेकिन मैं अपनी माँ को जवाब क्या देता था? जब मेरी माँ सवाल करती कि सारा काफिला लूट लिया गया तुम्हारा माल बच गया तो माँ को मैं जवाब क्या देता? मुझे कहना पड़ता माँ झूठ बोलकर माल वापस ले आया। अल्लाह अकबर। ये कहना था कि डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए और वो सारो कतार रो पड़ा और कहने लगा अरे जिस बेटे को अपनी माँ को हिसाब देना हो वो झूठ न बोल सका। हमें तो परवरदिगारे आलम को हिसाब देना है, खुदा को हिसाब देना है, मौला को हिसाब देना है। ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। गौसे आजम के कदमों पर गिरता है और तौबा करता है। अब डकैती नहीं होगी, अब चोरी नहीं होगी, अब जराइम नहीं होंगे, अब हराम नहीं खाया जाएगा, अब आप झूठ नहीं बोला जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक सच्चे का दामन मिल गया। और साथियों से सरदार ने कहा था जाओ वापस चले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, अब मैं गौसे आजम के साथ चलूंगा, मैं इनकी बारगाह में तौबा कर चुका हूं। साथियों ने कहा सरदार जी चोरी करना, डकैती करना, बदमाशी करना, आवारागर्दी करना, अय्याशी करना हुआ तो सरदार आप, और जब जन्नत में जाना है तो हमें छोड़े जा रहे हो? हम भी सब सिद्ध दिल से तौबा करते हैं। सारे डाकुओं ने तौबा कर। अब मुझे एक बात बताओ कितना फायदा हुआ गौसे आजम की एक सच्चाई, सच बोले तो फायदा कितना हुआ? सारे डाकुओं को तौबा की तौफीक हो गई। और सुनो यहीं तक नहीं, इसी एक सच्चाई से लूटा हुआ माल वापस हो गया। देखा सच्चाई का फायदा। याद रखना मैं अक्सर अपने मजलिसी गुफ्तगू में कहता हूं झूठ कितने दिन चलता है? 6 दिन, 6 हफ्ता, 6 महीना, 6 साल, उसके बाद झूठ की कलाई खुल जाती है। और सच तूफानों में टकरा के नहीं मरता, दरियाओं से गुजर करके नहीं मरता, देर से चलता है। एक शख्स ने मुझसे गुजरात में जामनगर में सवाल किया था, गैर मुस्लिम ने, वो रोजाना मेरी कर्बला के उनवान पर तकरीर सुनने आता था। तो आखिर में एक दिन उसने पूछा ये बताइए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद क्या है? कर्बला में जो कुर्बानी हुई तो मैंने मुख्तसर करके उसे समझाया था, आपको भी समझाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था इमाम हुसैन ये चाहते थे और उनका मकसद ये था हक बोलो, हक के साथ रहो, चाहे अकेले रह जाओ, इसलिए कि जमाना तुम्हारा साथ छोड़ देगा, मगर जहां तुम रहोगे वहां हक रहेगा, जहां हक रहेगा वहां तुम रहोगे। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं अगर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में तो ये सबक लेके जाइए। और आजकल क्या क्या हमारे समाज में चल रहा है, कितनी गंदगियां आ गई, कितनी बुराइयां आ गई, हमें उनको बदलने की जरूरत है, अपने को तब्दील करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 60 साल के होंगे तब अपने को बदलेंगे, बहुत सोचते हैं दाढ़ी रख लेंगे तब बदलेंगे। ये बताओ अगर मौत आ गई तब क्या कर लोगे? सबसे मौत का वक्त तो तय है ना, बस डेट हमें और आपको नहीं मालूम, वक्त तो मुकर्रर है ना, कोई बचेगा भी नहीं। और मैं यही तो कहना चाहता हूं बहुत सारे लोग मौत से बचना चाहते हैं कि सुनो बचो उससे जिससे बच सकते हो, उससे क्यों बचने का जुगाड़ लगाए हो जिससे बच ही नहीं सकते? कोई मौत से बच सकता है? बोलो ना, नोट करो, मौत से बच नहीं सकते, क्यों बचने के चक्कर में हो? और तुम जहन्नम से बच सकते हो, गुनाहों से तौबा कर लो। तो जिससे बच सकते हो उससे बच नहीं रहे हो। दोस्तों और बुजुर्गों आपस में मोहब्बतें पैदा करो, प्यार पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इख्तलाफात भुला दो,
पूरी दुनिया में तुम्हारा हश्र क्या हो रहा है, बोलो किस माहौल से तुम गुजर रहे हो, किस माहौल से तुम्हें गुजारा जा रहा है। मगर याद रखना, मैं अक्सर कहता हूं, अभी मैंने अपनी दारुसलाम हैदराबाद की तकरीर में ये बात कही थी कि याद रखो, जितनी ज्यादा इस्लाम की मुखालफत की जाती है, इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आता है, उतना ही कामयाब नजर आता है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 40 लाख लोग हालिया दौरे फसादात मामलात में मारे गए हैं। मगर तुम्हें मालूम है 40 लाख तो मारे गए हैं, मगर यूरोप के 62 लाख लोगों ने पढ़ लिया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की मुखालफत जितनी मुखालफत करोगे, इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आएगा। सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत शहर मक्का में की गई थी। मगर मेरा पैगंबर साबिर आजम बनकर के दीन की तबलीग फरमा रहा था, इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि नबी के सब्र का अंदाज और नबी के सब्र का सिला क्या मिला था कि आज शहर मक्का में बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो कहना चाहते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों बकवासे बंद करो, अपनी सुबानें बंद करो, वरना कान खोल करके सुन लो, 50 साल न गुजरेंगे सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जहां मुखालफत होगी इस्लाम वहीं मुस्कुराता नजर आएगा। दोस्तों बुजुर्गों, पक्के मुसलमान मान, अच्छे मुसलमान मान, कैसे अच्छे बनोगे? मैं रास्ते बता रहा हूं, कुछ तो अमल करना सीखो, कुछ तो तरीके सीखो। एक रास्ता तो ये बताया कि अकेले हलाल सिख के मकाल पे आ जाओ। अब दूसरा रास्ता बताता हूं, सुबह से अच्छे बन बन। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ। महल्ले वाले कहें कितना अच्छा लड़का है, क्या माँ की कदर करता है, क्या बाप की इज्जत करता है, क्या बाप का कहना मानता है। माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ। और सुनो, अगर शादी हो गई है तो अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, उस बीवी का तुम हक अदा करो, अच्छे शौहर बन जाओ। और तुम्हारी अगर बहनें हो तो उन बहनों के लिए अच्छे भाई बन जाओ, और अगर तुम्हारे भाई हैं तो उन भाइयों के लिए अच्छे भाई बन जाओ, और अगर खानदान है तो अपने खानदान वालों के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, महल्ले वालों के लिए अच्छे महल्लेदार बन जाओ, अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ, बेशक, और अपने मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ, और नोट करो, अपने मसलक के लिए अच्छे सुन्नी बन जाओ। अब सवाल यह है कि मौलाई है कौन? मौलाई है कौन? बड़ा नाजुक मसला है, मनमानी तफसीर करने से नहीं होगा। मेरा जुमला नोट करो, हर मौलाई सुन्नी है और हर सुन्नी मौलाई है, हर सुन्नी मौलाई है। मौलाई का मतलब क्या समझते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गदीर खुम के मौके पर, मन कुन तो मौला हो फअलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। तो बोलो रसूलुल्लाह हम सबके मौला है ना, तो हम सबके मौला मौला अली भी है, इसीलिए हम मौलाई हैं। डंके की चोट में कहता हूं कि हम मौलाई हैं, लेकिन फर्क समझ लो। मौलाई होने का मतलब यह है कि तुम सारे सहाबा की ताजीम करो, सहाबा की इज्जत करो, और अगर कोई शख्स किसी सहाबी की तौहीन करता है तो ना वो मौलाई है
ना वो सुन्नी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे हैदरी। अब एक बात और सुन लो बहुत प्यार के साथ, तवज्जो के साथ। अगर अपने आप को इसलिए मौलाई कहते हो कि सहाबा की तौहीन करो, तो फिर ये मौलाई एक फिरका है। और अगर इसे तुमने फिरका बनाया तो तुम 72 फिरकों में चले जाओगे। याद रखना, मौलाई वही है जो तमाम सहाबा की ताजीम करे, जो सहाबा की ताजीम करे। और मौलाई है उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। अब वो फिरका नहीं है, वो अहले सुन्नत वल जमात में से है। अहले सुन्नत वल जमात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक माना अलैह वासाबी, जिस पर मैं हूं वो मेरे सहाबा। माना अलैह से क्या मुराद है, नोट करो, माना अलैह से मुराद अहले सुन्ना था, और वासाबी से मुराद वल जमात है। तो अहले सुन्नत वल जमात ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही है ये सुन्नत वल जमात ने जाति याफ्ता है। इसी का हम दूसरा नाम रख देते हैं, मसलके आला हजरत। लेकिन कान खोल करके सुन लो, किसी भी जलसे में तुम 50 बार मसलके आला हजरत का नारा लगाओ, मरहबा, लेकिन साथ में एक मर्तबा अहले सुन्नत वल जमात का नारा जरूर लगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात, नारे तकबीर। क्योंकि मसलके आला हजरत हमारे बुजुर्गों ने कोई अलग से मसलक नहीं बनाया, ये मसलके अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा नाम है मसलके आला हजरत। लिहाजा मसलके अहले सुन्नत भी लगाओ और मसलके आला हजरत भी लगाओ। अब अगर मसलके अहले सुन्नत में रहना चाहते हो तो यकीनन हर सुन्नी मसलके अहले सुन्नत का पाबंद है, और वो मौलाई है, इसलिए कि मौला अली को मौला मानता है और तमाम सहाबा की ताजीम करता है।